नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉटिन। दोस्तों आज मैं आपको हरियाणा में काम करने वाले साथियों का न्यूनतम वेतन बताने जा रहा हूं। काफ़ी समय से आप लोगों का सवाल आ रहा था कि हरियाणा का न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन कब आएगा। ऐसे पीछे जनवरी में आया था और अभी ये जुलाई में आया है और 1 जुलाई से हरियाणा में कितना जो है वेतन बढ़ा है, कितना सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, उसकी जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही आपको याद होगा पीछे हमने बताया था हरियाणा राज्य के न्यूनतम वेतन के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था, उसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप बने रहें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो इस पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हरियाणा में काम करने वाले कामगारों के न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2019 को निकल जाना चाहिए था, जबकि ये देर से निकला है, यानी कि 2 महीने बाद निकला है। हमारी जानकारी के हिसाब से ये जो नोटिफिकेशन है 12 9 2019 को जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो मैं आपको दर अभी बताऊंगा वो 1 जुलाई से ही होगा, यानी कि 1/7/2019 से ही होगा और उसी के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। अगर पीछे का नहीं मिला है तो पीछे का आपको एरियर मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए भी आपको मैं जानकारी दूंगा, उसके लिए आपको कहाँ शिकायत करना है, उन सभी तमाम बातों की आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है उप श्रम आयुक्त चंडीगढ़ ने जारी किया है और इसके आपके वेतन दर में मात्र 2.59% का वृद्धि किया गया है, यानी कि आपका सैलरी अगर 100 रुपया है तो 2.59 रुपया काफी कम है। आइए हम इसके दर को जानते हैं कि किस कैटेगरी में आप काम करते हैं तो आपके लिए क्या दर तय किया गया है सरकार के द्वारा। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये क्या होता है, न्यूनतम वेतन जो होता है जिसका VDM महंगाई भत्ता उसका अभी निकला है और ये 6 महीने पे रिवाइज होता है। और इसमें इस दौरान लेबर विभाग क्या करता है, मार्केट का सर्वे करता है और महंगाई के हिसाब से उसका सूचकांक बना करके और उसको कैलकुलेट करके और उसके हिसाब से आपका दर तय करता है। अब देखने वाली बात यह है कि आपके वेतन में 2.59% वृद्धि होने से कैटेगरी वाइज जो न्यूनतम वेतन है उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो आइए हम इसको जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में आपका न्यूनतम वेतन 1/7/2019 से क्या होगा। दोस्तों श्रम आयुक्त हरियाणा के द्वारा जो न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें अलग अलग कैटेगरी का न्यूनतम वेतन क्या होगा उसकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर आप अकुशल श्रेणी में आते हैं तो आपका जो कुल वेतन होगा यानी कि मासिक जो वेतन होगा वो 9024.24 रुपया मंथली होगा और जो प्रतिदिन का होगा यानी कि डेली का 347.08 रुपया। अगर आप अर्धकुशल ए में आते हैं तो आपका मासिक होगा 9475.43 रुपया और प्रतिदिन का 364.43 रुपया। इसी तरह अर्धकुशल बी में आपका 9949.19 रुपया और प्रतिदिन का 382.66 रुपया। इसी तरह कुशल ए में आप देखेंगे तो आपका प्रतिदिन का 10,446.65 रुपया और प्रतिदिन का 401.79 रुपया और कुशल बी में 10,969 रुपया मासिक होगा और डेली का 421.88 रुपया। इसी तरह उच्च कुशल यानी कि हाईली स्किल जिसको कहते हैं उसमें आपका मासिक होगा 11,517.45 रुपया और डेली का होगा 442.97 रुपया। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं पांचवें कैटेगरी में लिपिक तथा सामान्य स्टाफ जिसमें कि मैट्रिक से अगर आप कम हैं तो 9,475.43 रुपया आपका मासिक होगा और प्रतिदिन का 364.43 रुपया। दूसरा है इसी में मैट्रिक है लेकिन स्नातक नहीं है, यानी कि मैट्रिक से ऊपर और स्नातक के बीच में, जिनका मासिक होगा 9,949.19 रुपया और डेली का होगा 382.66 रुपया। इसी तरह आप लिपिक में तथा सामान्य स्टाफ में स्नातक या उससे ऊपर हैं तो मंथली आपका 10,446.65 रुपया और डेली का होगा 401.79 रुपया। एस्टेनो या टाइपिस्ट हैं इसी कैटेगरी में तो आपका मासिक होगा 9,949.19 रुपया और डेली का 382.66 रुपया। इसी में आप कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक हैं तो आपका मंथली होगा 10,446.65 रुपया और डेली का 401.79 रुपया। वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक हैं तो मंथली होगा 10,969 रुपया, डेली का 421.88 रुपया। निजी सहायक हैं इसी कैटेगरी में तो मंथली होगा 11,570.45 रुपया
और डेली का होगा 442 रुपया 97 पैसा। निजी सचिव हैं इसी कैटेगरी में तो मंथली होगा 12,093 रुपया 32 पैसा और आपका डेली जो होगा 465 रुपया 12 पैसा। छठे कैटेगरी में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का मासिक होगा 10,446 रुपया 65 पैसा और डेली होगा 401 रुपया 79 पैसा। सातवें कैटेगरी में चालक जिसमें कि हल्का वाहन होगा 10,969 रुपया मासिक और डेली का होगा 421 रुपया 88 पैसा। चालक में ही भारी वाहन मंथली होगा 11,570 रुपया 45 पैसा और डेली का होगा 442 रुपया 97 पैसा। इसके बाद आठवें कैटेगरी में सुरक्षा कर्मी, यहाँ पे इन्होंने बिना वाहन लिखा है लेकिन मेरे हिसाब से ये शस्त्र के बिना हो सकता है या बिना शस्त्र हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो, तो बिना शस्त्र के होते हैं उनके लिए है 9,475 रुपया 43 पैसा और डेली का होगा 364 रुपया 43 पैसा। पहले मैंने जो बताया था 9,475 रुपया 43 पैसा वो आपका मंथली है। और इसी तरह सुरक्षाकर्मी ही शस्त्र के साथ यानी कि आर्म्स के साथ अगर आप सुरक्षाकर्मी हैं तो आपका मंथली होगा 10,969 रुपया और डेली का होगा 421 रुपया 88 पैसा। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और वो आया था सुरक्षा निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा सिक्योरिटी में जो सुपरवाइज़र होते हैं उनके लिए आया था और उनको इस अधिसूचना से बाहर कर दिया गया है उस आदेश के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में क्या कहा था अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो नीचे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद दसवें कैटेगरी में सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में है तो उसके बारे में इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि जो न्यूनतम वेतन में है उसमें भी ये शामिल नहीं है और इसीलिए उनको भी इससे हटा दिया गया है। और बताया गया है कि विभिन्न नियोजन में जो कार्यरत कर्मचारी दिनांक 21/10/2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने के हकदार होंगे। और इसके साथ ही नीचे नोट भी लिखा हुआ है कम संख्या या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिए गए वेतन से कोई वसूली कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं ईंट भट्टा उद्योग का भी रेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप ईंट भट्टा में काम करते हैं तो यहाँ करके आप अपना दर देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, वहाँ पे इसको डिटेल में मैं लिखूंगा भी और इसके साथ ही जो नोटिफिकेशन है उसका कॉपी भी मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था अगर आपको इस रेट से नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको लेबर कमिश्नर ऑफिस में जो आपके एरिया का है वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने पीछे ऑनलाइन कंप्लेन का भी तरीका बताया था और ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करेंगे उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हरियाणा में ही अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में काम करते हैं तो वहाँ आपके लिए एक सेंटर स्फेयर का न्यूनतम वेतन निकाला जाता है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो अपडेट नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो 1 अप्रैल 2019 को निकाला गया था और अगला जो है अक्टूबर में निकाला जाएगा तो उसकी भी आगे हम जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आप इस नोटिफिकेशन का कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पर लॉगिन कर सकते हैं और वहां जाकर के आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी मेरा पोस्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं, विदा लेता हूं, धन्यवाद।